Dog Brain! हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे इलाय, वो समझ रहा है कि ये खेल है। ओ, मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। ट्रिक्सी कॉर्ड पकड़ो उसे। प्रांडो अपना कमाल दिखाएगा और ये उसे अभी पकड़ना मुश्किल है। जरा सोचो क्या होगा जब वो ट्रांसफॉर्म होगा। अरे उसे पकड़ते पकड़ते हम पागल हो जाएंगे, उस गहरी खाई के पास नहीं जा पाएंगे। जरूर करेंगे ब्रॉन्जो, क्योंकि मैंने हमारे सारे मेका बीस्ट को अपग्रेड किया है। मुझे नई नई चीजों से बहुत चिढ़ आती है। क्या तुम हिलना बंद करोगे प्रोटो? ये बस अब देखा, मैंने कहा था ना कि ये मकड़ी के जाल वाले स्लग्स कोई काम के नहीं आए। हाँ, पर आज उसने ही हमारी जान बचाई। अगर जाल नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। मुझे तुम्हारी मैकेनिकल स्किल्स पर शक हो रहा जी। हाँ, तुम तो मेकाबीस्ट गुरु थे ना, हुआ क्या? मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी। अगर प्रांटो पर कम शरारता करते तो बहुत सही होता कॉर्डमिया। तुम्हारा मजाक उड़ा कर टाइम वेस्ट नहीं करता। शायद इससे पता चले। गिव कॉर्न, आराम करते हैं। सैंडविच। कुछ कह नहीं सकते प्रांटो, मुझे नहीं लगता कॉर्ड ने वक्त बर्बाद किया। पर मेकाबीस्ट को आखिर हुआ क्या, वो अचानक बीच में ऐसे रुक क्यों गए? मैं उन्हें एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो वो कनेक्टर्स चेक कर लिए हैं, पावर ट्रांसमिशन भी ठीक है, थर्मो कपलर्स भी ठीक से चल रहे हैं। अब तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा दोस्त ग्रेंडल वेस्टर्न मैक फोर्ज में हेड इंजीनियर है, इसलिए मुझे सबसे पहले सर्विस अपग्रेड्स मिलते हैं। हमारे मेका बीस्ट अब ठीक होने चाहिए। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों ना हम इन्हें फोर्ज के पास ले जाए, शायद वो प्रॉब्लम का पता लगा पाए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी इलाई, केवट्रोल एक जहरीला स्लग खा सकता है पर ये नहीं मान सकता कि वो एक बुरा मैकेनिक है। कॉर्ड, तुम्हें इस बात को मानना ही होगा। और वैसे भी तुम एक हीरो कहलाओगे अगर तुमने फोर्ड को साबित कर दिया कि हमारे मेकाबीस में प्रॉब्लम है। हाँ, शायद। तो फिर ये बात तय हो गई। मुश्किलों का सामना भले ही मुझे करना पड़े, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को वेस्टर्न फोर्स पहुँचा के चलूंगा। वाह, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं वेस्टर्न फोर्स तक पहुँचा के चलूंगा। हाँ, वैसे यहाँ आने के लिए सारे रास्ते में निशान लगे थे और ये इतना बड़ा है कि कोई भी देख सकता है।
और फिर भी मैंने अकेले ढूंढ लिया। हम यहाँ ग्रेंडल से मिलने आए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हम यहाँ के हेड इंजीनियर से मिलने आए हैं। हाँ, बहुत ही लकी हैं। वो मैं ही हूँ। मेरा नाम है डेरियस, मैं यहाँ का नया हेड इंजीनियर हूँ। पर ग्रेंडल को क्या हुआ? वो अब इस कंपनी में काम नहीं करता। नहीं करता? क्या आप में से कोई हमारे मेकास को चेक कर सकता है? इनकी वजह से आज हम खाई में गिरने ही वाले थे। क्या सच में? मैंने इंटरलिंक सर्वर्स को रीएडजस्ट किया, हाइड्रोलिक्स को धोया और प्रेशर सील्स को भी बदल कर देखा। पर क्या तुमने स्विच ऑन किया था? मजाक कर रहा हूँ। तुमने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम कल से शुरू हुए थे? मैंने इन स्पेयर पार्ट्स को पिछले हफ्ते ही डाला था और सभी को चेक भी किया। एक मिनट रुको, तुमने इसे पहले से ही अपग्रेड किया है, ये कैसे मुमकिन है? मैं एडवांस फील्ड टेस्टर हूँ, नए पार्ट्स मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, वो भी सबसे पहले। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सुनो, सारे मेकास को लेवल 3 डायग्नोस्टिक दो, ऊपर से नीचे। यस सर। तो क्यों ना हम अब आपकी फैक्ट्री देखें? मुझे देखना यहाँ और क्या बनता है। वो ग्रेंडल तो हमेशा हमें दिखाता था। तो फिर मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखा ही देता हूँ। और अब हमारा सारा सामान पूरब की गुफाओं से आता है। हर महीने 4000 टन स्टील को पिघलाकर हम यहाँ पर साफ करते हैं और हम एक भी बूंद वेस्ट नहीं करते। उसे छूना मत, छूओगे तो तुम्हारे सिर पर पिघलाया हुआ लोहा गिरेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जी, मैं अपने सिर से बहुत खुश हूँ। जरूर उसी समय का 20 पावर मिलती होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्लग्स को मिलती है। सुंदर है ना? मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करके। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इंटेलिजेंट हो। तो क्या यहीं पर स्लग तेरा के सारे मेकाबीज बनते हैं? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वाओ, उम्मीद है हमारे मेकाबीज के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ ना हो। डरो मत, हम वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालेंगे। अगर मेकाबीज नहीं होंगे तो स्लग टेरा में लोगों के पास भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और सबको डॉक्टर ब्लैक की स्लग टेरानियन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, है ना? तुम लेट हो। पिछली बार जिसने मुझे इंतजार कराया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरी जान बच गई, इतना ही काफी है। मुझे फिर कभी वहाँ मत भेजिएगा डॉक्टर ब्लैक, वो जगह मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। ऐसे लोग मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। जाओ अंदर ले जाओ। चलो देखते हैं इनमें कितना दम है। एक और कमाल का बैच। अब मुझे लगने लगा है जैसे हम गुल्स की फौज बना सकते हैं, वो भी अनंत। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेका बीस्ट्स को हम बड़े ही ध्यान से और प्यार से बनाते हैं, इसलिए आप सबको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस इतना ही? क्या तुम हमें वो जगह नहीं दिखाओगे जहाँ इन मेकास की फाइनल फिटिंग होती है? अब वो जगह अभी बंद है। मैं आप लोगों को स्पेशल स्टोर दिखा सकता हूँ जहाँ आप मैंगो मिल्क शेक पी सकते हो। वैसे तो मैं मैंगो शेक नहीं पीता जी, पर अगर तुम मुझे पीने के लिए ललकार रहे हो तो मैं जरूर पीऊंगा। मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रहा है, मुझे इस पर भरोसा नहीं। छोड़ो जी, जो खाने पीने के लिए बुला रहा हो दुश्मन कैसे हो सकता। तुम बताओगे कि ग्रेंडल ने काम क्यों छोड़ा? उसे ये काम बहुत पसंद था। आप लोगों को नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं? ओह, वह नीचे क्या है? सिर्फ स्पेयर पार्ट्स। हे, मिल्कशेक किसे चाहिए? ओह, मुझे मेरे साथ चलो प्रॉन्टो, मुझे देखना है वहाँ क्या है। Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी इस तरफ से आओ।
ब्रांडो एक चीज में सबसे माहिर है जी, और वो है मुसीबत से बचना। सामने देखो, उससे बड़ी मुसीबत आ रही है। मुझे छोड़ना मत दोस्त, मुझे छोड़ना मत। अलविदा मेरे दोस्त। मैं भी यही सोच रहा था बॉबी। ये तुम क्या कर रहे हो? आग का जवाब आग से दे रहा हूँ। बैकड्रॉप। मुझे तुम्हारी छुम्मी लेनी है जी। स्लग, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? टेक लॉग अल्फा जी रिकॉर्डिंग, घोल्स बनाना शुरू कर रहा हूं। वो मेका बीच को घूल्स बना रहे हैं, ये जरूर ब्लैक का काम होगा। बिल्कुल सही, हम यहाँ घूल्स ही बना रहे हैं, पर ये सब देखने के लिए तुम यहाँ नहीं बचोगे। लो, हम पहुँच गए। तुम जितना चाहो उतना मिल्कशेक पी लो। एक मिनट, वो दोनों कहाँ गए? अटेंशन, आठवीं मंजिल पर घुसपैठियां घुस गए हैं। तुम कोई इंजीनियर नहीं हो, मैंने सच कहा क्यों? होशियारी करने की सोचना भी मत। होशियारी? वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे साथी को इस शब्द का मतलब भी नहीं पता। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा साथी ही मुझे ऐसी मुसीबत में डालेगा। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो जी। बल्कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथी को ये भी पता है कि उसके पास दिमाग है या नहीं। मुंह बंद करो जी, मुझे पता है कि मेरे पास दिमाग है। और कान खोल कर सुन लो कि अगर इसके बाद तुमने मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। खुजाने से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ेगी। ईलाई, मुझे लगता है कि हमें चुपचाप यहाँ से भाग लेना चाहिए। हमें बचाओ, इसने क्या कर दिया? तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो जी। इस तरफ से। सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं। क्योंकि तुम मेरी तरह नाक से सुन नहीं सकते ना। ये आ रही है उस तरफ से, गंदगी धोने का सामान। यहाँ कुछ जानवर रखे हैं, यहाँ ग्रीस है। और मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे तुम्हें कुछ काम की चीज मिल जाएगी, वो भी सब मेरे करामाती नाक की वजह से। बहुत बढ़िया प्रॉन्टो। क्या बात है, तुम्हें यहाँ जबरदस्ती घुसकर दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? तुम ब्लैक के लिए काम कर रहे हो, सही कहा ना? बहुत अच्छे। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डॉक्टर ब्लैक को अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना होगा, समझ गए? तुम्हारा खेल खत्म समझो, अब बच के कहाँ जाओगे? इलाही, तुमने हमें बड़े सही वक्त पर ढूंढ लिया। मैंने कुछ और भी ढूंढा है, देखो मुझे बेसमेंट में कौन बंधा हुआ मिला। रैंडल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त। इससे पहले कि वो उन करप्ट मेगा बीस्ट को स्लॉग टेरा में छोड़ दे, हमें उन्हें रोकना होगा। रैंडल सही कह रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। ओ, शायद बहुत देर हो चुकी है। रैंडल, क्या थोड़ी देर इन्हें रोक सकते हो? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।
मेरे साथ आओ। कोई मौत आएगा यहाँ चल के रहा है। इस मेकअप इसको घूल में बदल रहा है। क्या? पर मशीन को गोल्स कैसे बना सकते हैं? वो उनके मेन इंजन की एनर्जी को करप्ट कर देते हैं। मैंने उन्हें ये करते हुए देखा है। तो हमारे मेकास के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो वो अजीब बर्ताव करेंगे, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर ब्लास्ट। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं एक बुरा मैकेनिक हूँ ऐसा मुझे एहसास दिलाया। हाँ, और अब ये ब्लास्ट होने वाली चीज भी। वो उन अपग्रेड्स को लोगों पर हमला करने के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम इस जगह को बंद कर देंगे, पर पहले हमें अपने मेकास को बचाना होगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। कोशिश कर भी लूं पर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यह शायद नहीं प्रॉन्टो, तुम कुछ कर सकते हो डॉक। छोड़ना नहीं उन्हें। ट्रिक्सी, कॉड, मुझे कवर करो। हमारे स्लग्स उनके मेकाबीस्ट को खरोच तक नहीं रहे। देखा मेरा कमाल, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आराम से शांत हो जाओ। तुमने कर दिया। क्या तुम ये दोबारा कर सकते हो? रिलैक्स बूमर। चलो चले। तुमने अपने मेका बीस्ट को ठीक कर दिया, बहुत अच्छे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर ब्लैक को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा जब हम तुम्हें गलत साबित करेंगे। सब लोग हट जाओ, और तो तुम्हें बचाएगा। ये तो बहुत ही बेकार बीस्ट है। इसके पहले कभी इतना भारी मुक्का खाया है? तो तुम क्या कह रहे थे? अरे भावा, मुझे लगा था कि तुम ठीक हो गए हो। मेरी बात सुनो, भाग लो इससे पहले कि ये फट जाए। असल में वो सब मैंने किया है। मैंने ये खास मौके के लिए बचा कर रखा था। तुम और तुम्हारा बढ़िया मजाक। मुझे तुम्हारी पप्पी ले रही है, पप्पी ले रही है जी। अरे जाने दो, फिर कभी ले लूंगा। डॉक, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे मेकाबीस को बचाने के लिए शुक्रिया। ये आखिरी वाला था। बहुत बढ़िया डॉक।
जब ये बात खुलेगी तब डॉक्टर ब्लैक का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि स्लग तेरा में शेन अब वापस आ गया है। हाँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैंने सब लोगों को बचा लिया। एक और बदबूदार विस्फोट मजे के लिए, घर जाते वक्त के लिए बचा के रखो। मैं समझ गया, ब्लैक ने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो? मेरे इंजीनियर्स उनसे निपटने के लिए काम पर लग चुके हैं। ब्लैक के पास भले ही नए तरीके होंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें कभी भी इन मेकर्स को बिगाड़ने नहीं दूंगा। लगता है मेका बीस्ट को करप्ट करने का हमारा भांडा फूट गया। बहुत बुरा हुआ, हमें अगली बार थोड़ी और कोशिश करनी होगी, है ना? ये हुई ना बात। वो इस जीत पर भले ही खुशियां मना रहे हों, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति बढ़ा दो, मुझे और गूल्स चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा गोल्स। देखो वो रही वीरान पड़ी डेडवीट गुफा, वहाँ भूल कर भी मत जाना। हाँ, थोड़ी डरावनी दिखती है, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जल्दी सांस लेना बंद करो, वरना बुरी आत्मा तुम्हारी नाक में घुस जाएगी। हाँ भाई, इन बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वैसा करने को कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तुम लोग मुझे हंसा रहे हो, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। इलाई बुद्धू मत बनो जी। डेडवीट वही जगह है ना जहाँ फ्राइड गाय स्लग्स मिलते हैं? चलो देखे, क्या पता हमें भी मिल जाए। चलो भी दोस्तों, ये एक नया एडवेंचर होगा। मुझे तो ये जगह सुनसान और डरावनी लगती जी। वहाँ तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है बीमार जानवर। ओ मजाक करना बंद करो जी, इलाई हम भूतों की बात कर रहे हैं ना। देखो मैं भूत से नहीं डरता, क्योंकि वो होते ही नहीं है। हम बस यूं जाएंगे और लौट आएंगे। ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। इलाई, मुझे ये पसंद नहीं। इलाई, तुम कहाँ हो दोस्त? ये मजाक करने का वक्त नहीं है जी। तुम्हारे चेहरे देखने लायक हो गए थे। बस बहुत हुआ, अब डरावनी आवाज निकालना बंद करो। ये हमने नहीं निकाली। ये खुल नहीं रहा, हम बच चुके हैं। अब मुझे लग रहा है शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम लोगों ने यहाँ आकर गलती कर दी, मेरी बात सुनो जी। लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई भी ना मिले, इसलिए हमें बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, और भूतों की फिल्म भी उतारेंगे। मैं तो लोगों को ढूंढ रहा हूँ, आखिर वो सब है कहाँ? ये एक सोने की खान हुआ करती थी, फिर सालों पहले बंद हो गयी।
काफी लोग ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं जी, लेकिन उनकी सिर्फ चीखें ही सुनाई देती है, वो कभी भी दिखाई नहीं देते। ये तो अच्छी बात है, हम नए स्लग को ढूंढते ढूंढते एक पहेली भी सुलझा सकते हैं, या फिर हम एक अच्छी सी फुटेज उतार सकते हैं। हमारे खत्म होने की फुटेज? बस तू मुझे बहादुर दिखा रहा, जब वो भूत मेरे दो दो दिमाग खाने लगेंगे जी। क्या तुमने दो दो दिमाग कहा? हाँ बिल्कुल, मेलनॉइड्स के पास दो दिमाग होते हैं जी, इसी की वजह से तो मैं इतना होशियार हूँ। ब्रांटो, ये सिर्फ एक शवल है। इस कोरे में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें वापस चलना चाहिए इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए। कोई भी तुम्हारा दिमाग नहीं खाना चाहता प्रॉन्टो। मेरे दिमाग को क्या हो गया? मेरे पास कुछ है जो इस फॉग से हमें छुटकारा दिलाएगा, सोनार स्कोप। अब सब ठीक है, अब कोई सामने आए तो हमें पता चल जाएगा। तुम्हें यकीन है वो काम कर रहा है? माफ करना, मैंने ये गलत जगह लगा दिया था। बहुत हुआ, अब मैं जा रहा यहाँ से। चलो, ये मजा आ रहा है, ये हैलोवीन जैसा है। ये हैलोवीन क्या होता है? ये शेन की एक पुरानी परंपरा है, साल में एक बार हम डरावने कपड़े पहनते हैं और हमारे पड़ोसी हमें चॉकलेट देते हैं। जबरदस्ती की वसूली लग रही है। क्या बात है प्रॉन्टो, मैंने तुम्हें इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। प्रॉन्टो घबराया हुआ नहीं है, मैं बस ये वापस जाओ डरा हुआ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे लगा वो एक आवाज है या एक बीमार जानवर। वो कह रहा था वापस जाओ। ये हवा की आवाज है और जहाँ तक मुझे पता है हवा कभी ये नहीं कहती वापस जाओ। हाँ लगता है तुम ठीक कह रहे हो। हे प्रॉन्टो, देखो एक दूसरा दिमाग खाने वाला भूत। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी जोक पे हंसी नहीं आई। वापस जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे नहीं लगता वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इनको सबक सिखाना होगा दोस्तों। क्या ये उन पर असर नहीं कर रहा? इस तरफ। सब लोग अंदर आ जाओ। अब हमारे लोगों को पकड़ के दिखाओ। अगर ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन नहीं मानता। चलो, हमने उनसे पीछा तो छुड़ा लिया। बिल्कुल सही, भूत लोग भाग जाओ, मुझसे डरो। वो चले क्यों गए? अरे छिप जाओ जी, वो वापस आ रहे हैं। नहीं सुनो, यह कुछ और भी है। ये कौन सी जगह है? ये तो सबटेरेनियन एक्सप्रेस है, पर ये इस गुफा में क्या कर रही है? डेडवीट में तो स्टॉप नहीं था, ये नया है, मतलब सच में नया। क्या वो सब वो ही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो डॉक्टर ब्लैक का सबसे खतरनाक पहरेदार है, एल डियाब्लोस नाचोस। तुम्हारे पास एक घंटा है, अपने कपड़े पहनो और काम पर लग जाओ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? वो वापस आ गए। वापस जाओ।
मेरा जवाब अब भी ना है। क्या वो एक फ्राइड गाय स्लग है? हुआ करता था, उसे भी गूल बना दिया गया है, अब वो बन गया है नाइट गाय स्लग। उससे तुम डर के मारे कांपने लगते हो जब तक उसका असर खत्म नहीं हो जाता। पर उसके स्लग्स कैसे लगे, हमारे तो छू भी नहीं पाए। शायद इसलिए क्योंकि उसके स्लग्स गूल्स बन चुके हैं। जब ब्लैक उन्हें बदलता है तब किसे पता वो क्या बनते हैं। भूतों ने क्या कहा सुनो? उन्होंने उसे भी वापस जाने को कहा। वापस जाओ पर क्यों? चलो ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं, दरवाजा खोलो। मुझे पता लगाना होगा ये कर क्या रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। हम लोग यहीं चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, या हमें कोई जगह ढूंढनी चाहिए, जैसे कि उस तरफ। मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं जी? वो चले गए, हमें उस कंट्रोल रूम में जाना होगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। दरवाजा खोलो। पासवर्ड क्या है? यही पासवर्ड था। ऐसी चीज ढूंढो जो अजीब हो और देखो अगर तुम्हें उस दरवाजे को खोलने की कोई स्विच मिले। इलाई जरा इसे देखो। इस खदान खोदने वाले में अजीब क्या है? ये उस भूत जैसा लग रहा है जिससे हम पहले लड़ रहे थे, ये वही है। देखा, ये पहले जिंदा था, मर गया, कहानी खत्म। हो सकता है ये लोग डेडवीट से गए ही ना हो, उन्होंने कहा वापस जाओ, शायद वो हमें सावधान कर रहे हो ताकि उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो। अच्छी सलाह है जी, हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। पहले पता लगाना होगा ब्लैक यहाँ से क्या ले जा रहा है। क्या बात है प्रॉन्टो। दोस्तों जरा ये देखो, उन्होंने तो यहाँ पूरा का पूरा माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये आखिर है क्या? वो सेफ्टी सूट उन्होंने जरूर किसी ना किसी वजह से पहना है। उस ड्रम में जरूर कुछ खतरनाक चीज होगी। काला पानी, तुम्हें पता है वो क्या है? शायद हाँ, और ये बहुत बुरा है। मेरे पूर्वज उन्हें करूम जनूल कहते थे, मतलब काला पानी। हमारी गुफा बिल्कुल इसके पास थी। कभी कभी ये काला पानी हमारी गुफा तक आ जाता था, तब वहाँ कुछ अजीब चीजें होती थी, कुछ अनहोनी चीजें। तो इस काले पानी से उनका क्या काम है? देखो इस तरह ब्लैक एक आम स्लग को गूल में बदलता है। वो काला पानी इस्तेमाल करता है। इनके पास काला पानी का कुआं है जिससे वो स्लग टेरा के हर एक स्लग को गूल्स बना सकते हैं। अगर हम उसे ये पानी लेने से रोके तो वो किसी भी स्लग को गूल में नहीं बदल सकेगा। हमें उस कुएं को नष्ट करना होगा। वो भी मदद करेगा और मैं भी। मैं भी, मुझे कुछ काम है। अब मान भी जाओ प्रॉन्टो। देखो तुम मुझे अपनी झंझट में मत घसीटो। मैं अपने साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा फैसला है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। सही कहा, भले ही हमारे जीतने के चांसेस कम हो और शायद तुम भूतों से डरते भी हो, पर मैं जानता हूँ तुम किस से नहीं डरते। तुम सही काम करने से नहीं डरते, खासकर तब जब बात हो प्रसिद्धि और गौरव की। सही कहा तुमने। ठीक है, प्रॉन्टो मदद करेगा, पर हम इस तरह बिल्कुल हमला नहीं कर सकते जी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। जरूर करेगा, मुझे नाचोस कहीं दिख नहीं रहा और सब अपना अपना काम करने में बिजी हैं। तुमने कहा उस पानी के पास कुछ अजीब सी चीजें होंगी, किस तरह की चीजें? ऐसी चीजें जैसे तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देती है। इसीलिए वो ये प्रोटेक्शन सूट पहनते हैं, वो माइनस भूत नहीं है। शायद उन्होंने काले पानी को छू लिया होगा। हम इसे बंद कैसे करें? इस जगह को बॉम्ब से उड़ा देते हैं ताकि ये पानी गुफा में भर जाए। कुछ और सोचना होगा। हमें उस बम तक पहुंचकर अपने हाथों से उसे बंद करना होगा। ठीक है, पर हम पहरेदारों से कैसे निपटें?
बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जी। हे हे, सामने से हड़िया बात समझ आई ना? कुछ करो। तुमने सुना नहीं, मैं कहता हूँ अभी की अभी हट जाओ, काला पानी लीक हो रहा है, जिसे छूने से देखो इसे क्या हुआ है? इससे पहले कि तुम्हारा भी ये हाल हो, तुम्हें ट्रेन में लौट जाना चाहिए। देखा ना, उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। ठीक है, अब इसे बंद करते हैं। जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है, यहाँ तो कोई ऑन ऑफ का बटन भी नहीं है। एक बार और ले आओ, जल्दी जल्दी। सोचो गॉड, कुछ सोचो। अरे जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए कि हम इसे बंद करने वाले हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उन घुसपैठियों को पकड़ो। मैं उन्हें संभालता हूँ, तब तक तुम लोग इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। को अभी अभी एक नाइट गाइस लगी है। वो मेरे पीछे आ रहा है, बचाओ। इससे वो बाहर आ जाएंगे जी। मैंने कहा था ना कि शेर पे सवा शेर होने प्रॉन्टो आ गया है। उस स्लग ने तो मुझे डरा ही दिया। हमें टीम के पास लौट जाना चाहिए। मुझ पर से उस घूल वाले फ्राइड गाइस स्लग का असर अभी तक गया नहीं है। मुझे ये आवाज कुछ अच्छी नहीं लग रही बॉबी। वो तुम जरूर एक फ्राइड गाइस स्लग होगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम मेरे टीम में बहुत काम आओगे। वो, रुको रुको, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये सब तुम्हारे साथ तब से हुआ जब ब्लैक ने वो कुआं खोदा है ना। तुम अब तक सबको सावधान करते रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं और मेरे दोस्त हमेशा के लिए इसे बंद करवाना चाहते हैं। क्या आप मदद करेंगे? अब शायद हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ईलाई कहाँ है? तुम कहाँ हो ईलाई शेन? अपना कमाल दिखाओ बॉबी। आग की दीवार। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना नाचोस, तो पहले मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। नहीं डरते? तो अब डरने लगोगे।
नहीं। ट्रेन में चलो। हमें यहां से बाहर निकालो अभी। उस ट्रेन को रोको। उसने कंट्रोल रूम को नष्ट कर दिया जिससे यह मशीन का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जगह तो फटने वाली है। हमें उस पाइप को बंद करना होगा। कौन है? मैं ही हूँ, लेकिन सही कौन है? एक बार फिर ट्रांटो ने सबको बजा लिया जी। लो हो गया, अब सब ठीक है, अब ये नहीं खुलेगा और हम ख्याल रखेंगे कि ये बंद ही रहे। हे, देखो उसका असर खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखा तुमने, मैंने कहा था ना भूत भूत नहीं होते जी। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये एक लंबी कहानी है, पर इस जगह पर सोने की खान हुआ करती थी। फिर ब्लैक इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया और यहाँ सब कुछ बदल दिया। ब्लैक ने हमसे कुएं खोदने को कहा। हमें पता नहीं था कि वो किस लिए करवा रहा है, पर जब पता चला तब देर हो चुकी थी। हम उसे कब से रोकना चाहते थे, पर वो घूल स्लग्स और हमारी इस कमजोरी की वजह से हम उन्हें रोक नहीं पाए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो न जाने हमारे साथ क्या होता। वैसे तुम्हारा यहाँ क्या काम था? किसी को लगा था कि यहाँ स्लग्स मिलेंगे। क्या तुम्हें ये वाले चाहिए? ले लो, तुम सब एक एक रख सकते हो। शुक्रिया, पर मेरे पास पहले से ही एक है। क्या हुआ इलाई? अब तक हमारी जीत नहीं हुई है। ब्लैक के लोग अपने साथ भारी मात्रा में काला पानी ले गए हैं। किसे पता कि उनके पास और कितना होगा, और अगर ऐसे और भी कुएं हैं तो ब्लैक इससे कितनी बर्बादी करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते।